जय श्री राम सभी भाइयों को, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है हीरोपंती 2 मूवी के ऊपर। तो आज के अपने इस वीडियो में हम हीरोपंती 2 मूवी की कहानी के बारे में और उस पर छोटा सा रिव्यू करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर हमारे वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हीरोपंती 2 मूवी की कहानी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत बेहद दिलचस्प ढंग से होती है, जहाँ जादूगरी का जलवा दिखाने वाला लैला यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसा शातिर चालबाज हैकर है जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पर इंडिया के टैक्स के सारे पैसे हैक करने की फिराक में है। वहीं बबलू यानी टाइगर श्रॉफ एक महत्वाकांक्षी हैकर है जो पैसे कमाकर शोबाजी करना चाहता है। एक सरकारी मिशन के तहत लैला की पोल खोलने के लिए बबलू को नियुक्त किया जाता है, मगर वहाँ बबलू न केवल लैला की बहन इना यानी तारा सोतरिया से प्यार कर बैठता है, बल्कि हैकिंग जैसे गलत धंधे में लैला का साथी भी बन बैठता है। बबलू का समीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह से होती है, जो इस ठगी का शिकार होती है। लैला को इस बात का पता चलते ही वो अमृता को मारने की कोशिश करता है। उसी के बाद बबलू अपनी इस मुँह बोली माँ को बचाने और अपराधियों को जेल भेजने की कसम खाता है। निर्देशक अहमद खान ने अपनी इस फिल्म में टाइगर की एक्शन और माचो में इमेज के मुताबिक हैरतअंगेज एक्शन, रोमांस गाने, माँ का इमोशन, विलेन से पंगा, सोशल मैसेज, विदेशी लोकेशन जैसे सारे एलिमेंट ठूसे, मगर हीरोपंती 2 एक लजीज बिरयानी नहीं बन पाई। और उसका सबसे बड़ा कारण रहा बिना सिर पैर की कहानी और कमज़ोर स्क्रीन प्ले। टाइगर के हीरोइज़म को दर्शाने के चक्कर में अहमद खान ने फिल्म में ओवर द टॉप वाले कई सीन रखे हैं, मगर कुछ ऐसे भी है जो हास्यास्पद लगते हैं, जैसे बम विस्फोट की शिकार ट्रेन के चिथड़े में से टाइगर श्रॉफ का उठकर माँ का फ़ोन रिसीव करना। हॉलीवुड स्टाइल का एक्शन, डांस, रोमांस, टाइगर और नवाज की खुन्नस के साथ साथ मेरी जाती नहीं और सबको आती नहीं जैसे टाइगर के सिटी मार डायलॉग फैंस को आकर्षित कर सकते हैं, मगर फिर समस्या यह है कि हर 2-3 सीन के बाद एक गाना आ जाता है और मारधाड़ होने लगती है। A.R. रहमान का संगीत बांध नहीं पाता और उसी वजह है कि वो कहानी को आगे नहीं बढ़ाता। विशल बजा जैसे देखने लायक गाने के लिए भी अंत तक का इंतज़ार करना पड़ता है। हाँ, अगर गानों को फिल्म से हटकर देखें तो इसकी कोरियोग्राफी दर्शनीय है, फिल्म का क्लाइमैक्स दिलचस्प है। एक्शन के मामले में टाइगर श्रॉफ हर तरह से 20 साबित हुए हैं। धमाकेदार एक्शन को उन्होंने अपने स्वैग और स्टाइल से बखूबी निभाया है। वहीं तारा सुतरिया इनाया की भूमिका में निराश करती है। टाइगर तारा की केमिस्ट्री पर्दे पर एक्स फैक्टर पैदा नहीं कर पाती है। जहां तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी के अभिनय की बात है तो वे फिल्म का प्लस पॉइंट है। लैला का उनका किरदार दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता है। अमृता सिंह जैसी समर्थ अभिनेत्रियों को मुँह बोली माँ के रूप में छाया कर दिया गया।